हेलो बच्चों, आज हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड द डिवाइड ऑफ द डेसिमल। हम इन डेसिमल को क्या करना, डिवाइड करना। भाई 7.9 डिवाइडेड बाय 1000 है, क्या मतलब हुआ इसका? देखो 7.9 और डिवाइड हमें करना 1000 से। यहाँ ऑलरेडी पहले डेसिमल है, अब हमें देखना डेसिमल, अगर मैं उसको डेसिमल को हटाना चाहूँ तो कैसे हटा सकता, डेसिमल के बाद मुझे देखने कितनी डिजिट है। भाई तो डेसिमल के बाद तो एक ही डिजिट है हमारी, तो इसका मतलब जैसे मैं इसको डेसिमल से हटाऊंगा, इस डेसिमल को हटाऊंगा तो नीचे एक जीरो बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है तो एक ही जीरो बढ़ेगा। अब ये हमारा हो गया 79/10000। अब ये कैसा सॉल्व होगा? भाई गिनो फिर 1, 2, 3, 4, कितने जीरो हैं? 4 जीरो हैं, और ऊपर गिनो डिजिट 1, 2। भाई जब हम देख रहे हैं हमारे पास तो नीचे कितने जीरो हैं, जीरो गिनो, 1, 2, 3, 4 है, लेकिन ऊपर कितने डिजिट है? 2 ही डिजिट है। हमें अगर उसको डिवाइड करना है तो हमें कितनी डिजिट चाहिए? 4। तो हम क्या करेंगे, 2 जीरो लगाएंगे अपनी तरफ से, अब डिजिट हो गई 4, तो इसके आगे पॉइंट लगा देंगे। देखो जितने नीचे के होंगे जीरो होंगे, उतनी डिजिट के आगे ऊपर पॉइंट लगेगा, ये आपको ध्यान करना। अब यहाँ तो 4 जीरो थे लेकिन ऊपर कितनी डिजिट थी? 2 ही थी, तो हमने क्या किया, 2 जीरो अपनी तरफ लगाए, 4 डिजिट बना दी, 1, 2, 3, 4 डिजिट बन गए, आगे जीरो लगा दी, आगे पॉइंट लगा दे, तो ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे देखो 26.3/ कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अगेन वही कंडीशन है, पॉइंट वाला एक ही डिजिट है, तो ये हटाए मैंने, एक जीरो बढ़ जाएगा। 263/ कितना हो जाएगा, 10000। 0, 1, 2, 3, 4 जीरो है ऊपर डिजिट, 1, 2, 3, हमें तो 4 डिजिट चाहिए क्योंकि हमारे पास 0, 4 है, तो भाई 263/3 डिजिट तो है हमारे पास, एक हम जीरो अपनी तरफ से लगाएंगे, 4 डिजिट, 1, 2, 3, 4, इसके आगे पॉइंट लग जाएगा। क्योंकि जब देखो जब हम कह रहे हैं पॉइंट यहाँ लगे, क्यों बोले एक जीरो लगाना पड़ेगा, क्यों देखो जैसे मैं इसको पॉइंट घटाऊंगा 1, 2, 3, 4, तो 4 जीरो नीचे आ जाएंगे, तो यही आ गए सेम के सेम, तो इसलिए हमको एक जीरो पुटअप करना पड़ रहा। ओके, ऐसे यहाँ देखो 38.53/1000 अगेन। भाई इसको हटाओ कितने जीरो है, 1, 2 कितने डिजिट, 2 डिजिट है, तो 2 जीरो। अब हमारा 38.53 कितना हो गया, 1 लाख हो गया। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 डिजिट 4 है, भाई 3, 8, 5, 3 और जीरो कितने हैं, 5 है, एक यहाँ जीरो लगाएंगे, इसको 5 डिजिट बनाएंगे और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, यही हमारा आंसर हो गया। डिवाइड करके हमारा यही आएगा। ऐसे देखो 128.9/1000, इसको हटा दो, एक डिजिट है, एक जीरो। अब 1, 2, 1089/10000 आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, तो 0.1289 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, ऐसे देखो 0.5 है भाई, 0.5/1000 है, भैया हटा दो, कितने डिजिट है, एक है, तो एक ही जीरो आएगा। अब ये तो 5/10000 हो गया, 1, 2, 3, 4 जीरो, डिजिट एक ही है, तो क्या करेंगे, एक डिजिट है तो बाकी क्या लगाएंगे, जीरो लगा देंगे, वो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ओके, ऐसे देखो 0.78/ कितना है, 100 है, भाई हटाया 1, 2 तो 2 जीरो और, कितना हो गया, 78/10000 हो गया, 1, 2, 3, 4 तो 78, 2 तो हो गए, 2 जीरो होल लगा दो, पॉइंट यहाँ पे लगा दो। ओके,